हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सैड स्टोरीज का टाइम है। सैड स्टोरीज में लोग पहला लेसन पढ़ रहे हैं द गोल्ड वॉच बाय पोंजी करारफी। एंड आई आल्सो टोल्ड यू इन द लेसन देयर इज ओनली वन कैरेक्टर नेम्ड शंकु हु वर्क्ड इन अ फैक्ट्री who got only 1 rupee per day, so his income was very low, and in this way he was unable to survive his family, to support his family, to feed his family. With the result, he had taken the debts from many resources. But he was unable to pay it, and now Shankhu began to think how he would be able to pay his debts that he had taken. At last he decides to steal the gold watch that was always there in the office. And the watch was of an engineer who always went out at the time of noon, leaving his watch on the table in his cabin. Shankhu, along with all the workers, knew about it, that there was a watch, gold watch, at that time, and anyone can pick it up, but no one will know. In the same way, when Shankhu was unable to pay the debts, when the people began to abuse him, they began to disturb him, they began to ridicule him, he decided to steal that gold to pay his debts. Earlier he had tried to steal it, but his cowardice refrained him from taking the watch. But when the circumstances forced Shankhu, that means when he has no other way to solve his problems, to pay his debts, he decides to steal it tomorrow. जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रह गया, कोई और विकल्प नहीं था, तब उस घड़ी को चुराने का निश्चय किया। And thinking about all these things, Shankhu slept that night very late, and with the result, he also got up late in the morning. थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके थे लेसन में, आगे चलते हैं। नाउ शंकु व्हेन ही वाज अनेबल टू पे द डेब्ट्स, ही रिमेंबर्स अबाउट हिज डेब्ट्स दैट ही हैड टेकन फ्रॉम मेनी पीपल, जो कर्ज लिया हुआ था लोगों से, उसके बारे में सोचता है। तो कहता है शंकुस थॉट्स बिगन टू लिंगर, शंकु की जो सोच थे, जो विचार थे, began to linger, जाने लगे, ठहरने लगे, किस पे? Over the thorny problems, जो जटिल समस्याएं, thorny मतलब complicated, जो मुश्किल समस्याएं थी, of his life, उसके जीवन की, मतलब now Shankhu began to think about the problems of his life, which were very complicated, अपने जीवन की जटिल समस्याओं के बारे में सोचने लगा, और क्या सोचता है? Now I told you earlier he was lying there on his torn mat in the darkness, रात के अंधेरे में फटी हुई चटाई पर लेटा हुआ था, and he was thinking about all these things, इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा है। हाँ, तो कहता है कि tomorrow would be the third day, tomorrow आने वाला जो कल है, tomorrow would be the third day of the month, means कल महीने का तीसरा दिन होगा। In another 3 days, अगले 3 दिनों में
ही वुड गेट हिज पे, वो अपनी तनख्वाह पाएगा, अपने पैसे को पाएगा। ही वुड गेट, वो पाएगा, क्या पाएगा, हिज पे, अपनी तनख्वाह को, कितना, 13 rupees फॉर 13 days, 13 rupees मिलेंगे, कितने दिनों के, 13 दिनों के, मतलब ही गेट्स ओनली 1 rupee पर डे, प्रत्येक दिन उसको केवल 1 rupee मिलती थी मजदूरी, एज इज सैलरी, इनकम वॉज 1 rupee, तो कहता है 13 rupees फॉर 13 days, 13 rupees 13 दिन की, ही हैड टू पे, अब 13 रुपये तो उसको मिलना है, 13 rupees, अब उसमें से क्या करना था, ही हैड टू पे, उसको देना था, चुकता करना था, कितना, 4.5 rupees, 4 रुपये और आधा रुपये, मतलब 4.5 rupees, किसको देना था, फॉर परचेजेज, जो उसने खरीदारी की थी, कहाँ पे, एट द स्टोर, दुकान पर, दुकान पर जो उसने खरीदारी की थी, उस 13 रुपये में से कितना देना था, 4.5 rupees, तो बैलेंस उसके पास कितना बचेगा, 8.5 rupees, है ना, तो कहता है देयर वुड बी अ बैलेंस, बैलेंस होगा, बचत होगा किसका, ऑफ 8.5 rupees, 8 rupees एंड हाफ रुपीज, 8 रुपये और आधे रुपये, मतलब 8.5 रुपये उसके पास पैसे बचेंगे, अगर 13 रुपये में से 4.5 रुपये दे देगा तो बैलेंस के रूप में 8.5, ठीक। फिर कहता है ही हैड रीपेड ओनली 5, उसने केवल दिया था कितना, ओनली 5, केवल 5 रुपये, तो कहता है ही हैड रीपेड ओनली 5, उसने केवल दिया था 5 रुपये, किसमें से, आउट ऑफ द 10, 10 रुपये में से, ही हैड बोरोड, 10 रुपये उठा लिया था, 10 में 5 दिया था, 5 अभी देना था, तो जो उसने उधार लिया था, बारो मीन्स उधार मांगना, एक होता है बारो, उधार मांगना, ठीक है, और लेंड होता है देना, उधार देने वाला ही होगा, एक लेने वाला होगा, एक मांगने वाला होगा, एक देने वाला होगा, तो मांगने वाले को बोलते हैं बारोअर, और लेने वाले, देने वाले को क्या बोलते हैं, लेंडर, जिसको बोला जाता है मनी लेंडर। हाँ, तो कहता है He had repaid only 5, उसने केवल 5 रुपये दिया था, out of the 10 rupees, 10 रुपये में से केवल 5 रुपये दिया था, He had borrowed, जो उसने उधार लिया था, from the fund मतलब पोस्ट, खजाने से, the previous month, कब लिया था, पिछले महीने, है ना, पिछले महीने उसने लिया था, क्यों, आगे बताएगा, with interest, ब्याज के साथ, at 6 paise a rupee, 1 रुपये पर 6 पैसे ब्याज के साथ, कब, अभी 1 हफ्ते के लिए, 1 रुपये के 6 पैसे ब्याज के साथ 1 हफ्ते के लिए उसने जो पैसा उधार लिया था खजाने से, कोष से, नो, क्यों लिया था, आगे बताएगा, द प्रीवियस मंथ, क्यों लिया था पैसा, आगे बता रहा है फिर, तो कहता है टू गो होम, घर जाने के लिए पैसा लिया था, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की संस्कार में सम्मिलित होने के लिए, उसकी माँ मर चुकी थी, उसमें उसको जाना था, भाग लेना था, एनिवर्सरी करना था, वर्षगांठ थी, ठीक है, तो उसके लिए उसने पैसा लिया था, तो फिर कहता है नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees, उसे शेष 5 रुपये देना चाहिए, विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, एट 6 paise, 6 paise प्रति रुपये, 1 रुपये की, अभी 1 हफ्ते में, जैसा मैंने बताया 1 रुपये 6 पैसे ब्याज के साथ 1 हफ्ते में उसको लौटाना चाहिए। तो फिर कहता है एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर भी बाकी था उसका पैसा, जहाँ चाय पीता था, तो कहता है एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर द 3 rupees, ओवर मतलब ज़्यादा, वह 3 रुपये से ज़्यादा का कर्जदार था, किसका, टू अली, है ना, सॉरी अभी आगे बताएगा, तो कह रहा है कि ही ओड ओवर द 3 rupees, वह 3 रुपये से ज्यादा का कर्जदार था, हाँ, किस, कितने हफ्ते का, फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते का, बिसाइड्स इसके अलावा, प्रीवियस एरियर्स, जो पिछला बकाया था, ये तो 2 हफ्ते का 3 रुपये से ज्यादा हो गया, और 2 हफ्ते पहले का भी बाकी था, हाँ, तो कहता है बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स, और इसके अतिरिक्त जो पिछला बकाया था, अमाउंटिंग 2.5 rupees, 1 रुपये और आधा रुपये, उसके अतिरिक्त, ये तो पिछले हफ्ते का बाकी हो गया, और फिर कहता है कि जो
बाकी पैसा था उसके अतिरिक्त पिछले महीने में कितना, प्रीवियस एरियर्स जो पिछला बकाया था अमाउंट 2 रुपये हाफ, 1 रुपये और आधे रुपये मतलब 1.5 रुपये पिछला बकाया था। ही ओड 6 रुपीज टू अली, और किसका कर्जदार था 6 रुपये का, किसका, टू अली, अली नामक व्यक्ति का, अली जो था उसका वो 6 रुपये का कर्जदार था, किसके लिए, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, जो अतिरिक्त उसने सप्लाई किया था, उसको आपूर्ति किया था, उसको दिया था, चावल दिया था, बीड़ीज दिया था एंड अदर आर्ट्स एंड एंड्स, और दूसरी जो सामग्रियां दिया था अली ने, तो इस तरीके से अली का भी वो 6 रुपये का कर्जदार था। 1 month's हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, और 1 महीने की जो घर का किराया था वो कितना था, 3 रुपये, किराया भी बाकी था। हाँ तो कहता है 1 month's हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, 1 महीने की घर का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दिस सम्स, इन पैसों के साथ, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसने छोटा सा कर्ज भी लिया था लोगों से, कितने पैसे का, आप 12 पैसे, किसी से 12 पैसे का कर्ज लिया था, 25 पैसे, 25 पैसे का कर्ज लिया था एंड 50 पैसे और 50 पैसे का कर्ज लिया था, कैसे, फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से छोटा छोटा कर्ज लिया था, किसी से 12 पैसे, किसी से 25 पैसे का, किसी से 50 पैसे का छोटा छोटा कर्ज लिया था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी जो पत्नी थी शंकू की, रिमाइंडेड हिम, उसको याद दिला चुकी थी 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी, 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड, जो 1 रुपये देना था किसको, टू द फिश वूमेन, उस मछली बेचने वाली महिला को, मतलब उसकी पत्नी 2 दिन पहले उसको ये याद दिलाई थी कि जो मछली बेचने वाली महिला है उसका भी कितना बाकी है, 1 रुपये। शंकू मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट, शंकू ने क्या किया, उस पूरे पैसे को एड किया, जोड़ दिया, अब सोचने लगा। Now he began to think what was the total money, total amount, total पैसा कितना हुआ, that he needed, जिसकी उसको आवश्यकता थी, अब जोड़ लिया कि कितना मुझे चाहिए। Once he was going to get just just 8.5 rupees, जो केवल पानी जा रहा था पैसा, वो केवल कितना था, 8.5, क्योंकि 4.5 रुपये उसको ऑलरेडी देना था। तो कहता है what he was going to get, जो कुछ वो पाने जा रहा था वाज जस्ट 8.5 रुपीज, केवल 8.5 रुपये थे। वाट ही ओड, जो वो कर्जदार था कितने का, 22 रुपीज 13 पैसे, 22 रुपये 13 पैसे का कर्जदार था। जब पूरे पैसे को कैलकुलेट किया तो कितना कर्जदार था, कितने पैसे का, 22 रुपये 13 पैसे 13 पैसे का। हाँ तो कहता है वाट ही ओड, जो वो कर्जदार था वाज 22 रुपीज 13 पैसे, करीब 22 रुपये 13 पैसे का कर्जदार था। ही हैड अदर नीड्स टू, 22 रुपये 13 पैसे का तो कर्जदार हो गया, इसके अलावा उसको दूसरी भी आवश्यकताएं थी, जरूरतें थी। हाँ तो कहता है ही हैड अदर नीड्स टू, मीन्स उसको दूसरी भी आवश्यकताएं थी। ही हैड बारोड, उसने उधार लिया था कितना, 3 रुपीज 3 रुपये फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। इस 22 रुपये 13 पैसे के अलावा और 3 रुपये किससे उधार लिया था, अपनी पत्नी से, उसको कैलकुलेट नहीं किया इसमें, ये अलग है, अगर इसको कैलकुलेट कर लेगा तो 25 रुपये 13 पैसे हो जाता। तो बता रहा है दिस वाज आउट ऑफ द सम, ये वही पैसा था, सी हैड स्लोली सेव्ड, जिसे वो बचा कर रखी थी, कैसे, स्लोली सेव्ड, धीरे धीरे बचा कर रखी थी, कैसे, नाउ एंड देन, किसी तरीके से, उसकी जो पत्नी थी शंकु की, किसी तरीके से पैसे को बचा के रखी थी, क्यों, इन ऑर्डर टू बाई, मीन्स खरीदने के लिए, क्या, अ वेस्ट चेन, एक कमर की चेन, किसके लिए, फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे से बच्चे के लिए, शंकु एक छोटा सा बच्चा था, उसको कमर में पहनने के लिए उसकी पत्नी किसी तरीके से बचा कर 3 रुपये रखी थी। ही हैड अश्योर्ड हर, अश्योर्ड मतलब आश्वस्त करना, निश्चिंत करना, ठीक है। He had assured her, उसकी जो पत्नी थी शंकु की, तो शंकु ने क्या किया, शंकु ने अपनी पत्नी को assured किया, आश्वस्त किया, that means कि he would buy it, वही से खरीद लेगा, out of his pay, अपनी तनख्वाह से,
दैट मंथ, अगले महीने, मतलब अपनी पत्नी से कहकर पैसे मांग लेता है कि 3 रुपये मुझे दे दो, अभी जरूरत है, और अगले महीने में जब हमको मिलेंगे 13 रुपये 13 दिन के, उसमें से हम लोग बच्चे के लिए कमर की चैन खरीद लेंगे। ही वुड बी एबल टू बाई इट, खरीद लेगा। संकुच हार्ट बीट कंट्रोलेबली। नाउ व्हेन शंकु मेंटली एडिट द टोटल अमाउंट, टोटल सम, हिज हार्ट वॉज बीटिंग अनकंट्रोलेबली। शंकु ने जब पूरे पैसे को जोड़ लिया कि मुझे तो केवल 8.5 रुपये मिलेंगे बैलेंस के रूप में, कर्ज में 22 रुपये 13 पैसे का हूँ, तो नाउ हिज बीट वॉज बीटिंग, हार्ट बीट वॉज मूविंग वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से चल रही थी। हाँ, तो कहता है संकुच हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का जो दिल था अनियंत्रित तरीके से तेजी से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपनी धड़कनों के बीच, जब उसकी धड़कन तेज चल रही थी, हाँ, उसी धड़कनों के बीच ही कुड हियर, वह सुन सकता था इसको, द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचनी, जो चाय की दुकान का जो मालिक था कोचनी, उसकी खराब शब्दों को, कर्कश आवाज को सुन सकता था। आली हालो डॉक्टर, जो आली नामक व्यक्ति था जिसने चावल बीड़ी और जो सामग्रियां दी थी, उसकी तेज उपहास या हंसी की आवाज को सुन सकता था। एंड वल्गर वर्ड्स, और जो शब्द थे, हाँ, गंदे जो शब्द थे। एंड इरिटेटिंग टॉक, और जो चिड़चिड़े कर देने वाली, गुस्सा कर देने वाली जो बातें थी, किसकी, ऑफ लेनापो, लेनापो नामक व्यक्ति का, हु वाज इंचार्ज ऑफ द फंड, जो उस फंड का, कोष का, खजाने का क्या था, इंचार्ज था, इन सभी की आवाज को सुन सकता था। कैसे, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना के माध्यम से, लोग मुझे क्या कहते हैं, व्हाट द पीपल, व्हाट आर द पीपल सेइंग, व्हाट डू द पीपल से अबाउट हिम, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, वे सभी लोग, चाहे वो लेनापो हो, चाहे वो अली हो, चाहे वो कोचनी हो, सभी लोग क्या है, उसी लिए दे का प्रयोग किया, दे वर ऑल, वे सभी लोग सराउंडिंग हिम, उसको घेरे हुए हैं, कैसे, लाइक ए रोडी बॉयज, एक सड़क पर बच्चों की तरह, आर्म्ड विथ स्टिक, अपने हाथ में स्टिक लेकर के, छड़ी लेकर के, कैसे इकट्ठा है, गैदरिंग अराउंड स्ट डॉग, एक भौंकते हुए कुत्ते के चारों तरफ इकट्ठा है। व्हाट हॉरिबल सीन, एंड व्हेन शंकु थिंक्स अबाउट इट, दैट ऑल द पीपल वर सराउंडिंग हिम विथ ए स्टिक इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में एक स्टिक की तरह, जैसे छोटे बच्चे किसी कुत्ते को मारने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं, इन द सेम वे ऑल द पीपल वेयर देयर अराउंड हिम विथ द स्टिक इन देयर आर्म्स, अपने हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, एंड दे वर सेइंग समथिंग, उसे कुछ कह रहे हैं। तो जब इन बातों की कल्पना करता है शंकु, तो कहता है व्हाट हॉरिबल सीन, दैट मींस इफ दे डू सो, यदि वैसा करते हैं, इट विल बी वेरी हॉरिबल सीन फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही क्या होगा, भयानक दृश्य होगा। ओके, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।